मौत भी आसानी से नहीं आ रही। एक सेकंड, तुम ठीक हो ना दारा? अल्लाह का शुक्र है आपने बचा लिया। हमारे कपड़े पूरे गीले हो गए। बशीर भाई, कोई पास में दुकान है, बाजार है, कुछ भी है? है, है, नीचे ही बाजार है, आइए लेके चलता हूँ आपको। मोहतरमा, क्या करी आप? माशाल्लाह, आज बुर्का भी पहनी आपने? क्यों, अच्छा नहीं लगा? बुर्का पहनने वाली हर औरत हमें अच्छी और पाकीज़ा लगती है। वैसे तुम तो अपनी अम्मी अम्मा को दिखाने के लिए पहन दी थी ना, आज अचानक से क्यों पहन ली? हमारा दिल था इसलिए हमने पहन लिया। कहीं हमारे लिए तो नहीं पहना है? चले जरूर।
ये आपके लिए। वैसे वापस से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग। हाँ तो तुम्हें खुशबुएं बहुत पसंद है, मैंने कश्मीरी इत्र की दुकान वहां देखी थी, तो हम वहां चले। चलो चलते। क्या कर रहे हैं आप? दूसरी लड़कियों को देखते शर्म नहीं आती आपको? नहीं, हमें लगा था वो जारा। जारा, जारा, वो जारा, जारा। भैया आपने हमारी दीदी को देखा, वो यहाँ बुरखा पहनकर खड़ी थी। भाई अक्सर औरतें यहाँ पर बुरखे में ही होती है। नहीं, आप समझ रहे नहीं, हम अभी कबूतर को खाना खिला रहे थे और वो हमारा हाथ पकड़ के बस यहीं कहीं थी। अरे भाई अक्सर लोग यहाँ बिछड़ जाते हैं। आपकी बीवी को होटल का एड्रेस तो पता है? हाँ बिल्कुल पता है। हाँ फिर तो वो पहुँच जाएगी। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। काजी साहब, काजी साहब, बेगम, हमारी जरा ना किसी मुसीबत में, वो चारों तरफ ना आग और धुएं से घिरी थी। आपने कोई ख्वाब देखा है? और दिन के ख्वाब सच नहीं होते? नहीं काजी साहब, जारा कभी को फोन मिला ही ना। जारा का फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। कभी को मिला ही। बेगम कबीर के फोन पर बेल तो जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा। एक बार लगाइए ना फिर से। बेगम आप बेफिक्र रहिए, वो मिस कॉल देखेगा तो हमें कॉल बैक जरूर करेगा। अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी अमन में रखे। आमीन। आमीन। जारा, 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 जारा। जारा, आज सदर बाजार के करीब एक जवान और खूबसूरत लड़की की लाश मिली है। लड़की के जिस्म पर बुरखा है लेकिन अभी तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को लगता है कि लड़की कोई टूरिस्ट हो सकती है। से सोच सोच के मजा आ रहा है। कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ, देवदार के वो लंबे लंबे पेड़, हाय, और कबीर का साथ, ये सब कितना रोमांटिक। दोस्ती पक्की? जब तक तुम दोस्त रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। सदर बाजार में जो मिली थी वो ये वाली है। तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लगी? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है?
इन्ना लिल्लाही वा इन्ना इलैही राजिऊन हमारी बीवी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। तो फिर आप अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं। के लिए फूल भेजे हैं। साहब ने? जी। मौलवी साहब ये सब भी जानते हैं। बहुत खूब। अब इनकी तबीयत कैसी है? अभी ये बेहोश है साहब। थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त? तकरीबन एक घंटा। आज श्रीनगर की हर डाली पर खिलने वाला हर फूल इस कमरे में आ जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि बेगम जारा जब पहली बार अपनी आंखें खोलें तो अपने आप को खुशबुओं की जन्नत में महसूस करें। दुल्हन की तरह सजा दो इस पूरे घर को। आज हमारा महबूब आया है। आप हमेशा से ही कश्मीर में रहना चाहती थी, तो लीजिए आज से सारा कश्मीर आपका हो और आप इस कश्मीर की बहू। बस सिर्फ एक बार हमें अपना बना लीजिए सारा। आपके करीब तो आना चाहते हैं लेकिन आपकी रजामंदी के बगैर नहीं। आप तो हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है साला। गुलाब की पंखड़ी पर ओस की पहली बूंद की तरह पाकीज़ा हैं आप। हमें माफ कर दीजिए जरा कि हमें आपके शौहर की कैद से आपको बचाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आपको हमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। जनाब रुकिए, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हमारी बीवी का नाम है ज़ारा सिद्दीकी और उसकी उम्र है 22 साल। मसला क्या है? हम हजरत बल के पास वो जो दरगाह ना उसी के बाजू में हम लोग खड़े थे और हाथ छूट गया और वो खो गए। तस्वीर है कोई? नहीं। अपनी बीवी की तस्वीर नहीं रख सकते हो? हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता है तस्वीर रखने की। हमारे पास ना हमारी माँ ना बहन की तस्वीर है। आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए। हमारे अबू का फोन है। हम अभी आ रहे।
सलाम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम दोनों? हाँ अबू, हाँ हम दोनों ठीक है। तो फिर जारा का फोन बंद क्यों है? उसकी अम्मी कब से उसे फोन करने की कोशिश कर रही है और तुम भी फोन नहीं उठा रहे हो। अबू वो फोन साइलेंट पे था अबू, इसलिए देखा नहीं था। देखो बेटा, अम्मी अबू तुम्हारे हो या जारा के, अपने बच्चों को लेकर हम छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। अभी तुम बड़े हो गए हो, इस बात का एहसास होना चाहिए तुम्हें। और जारा का ख्याल तो रख, वो अब तुम्हारी बीवी है, जरा बात कराओ उससे। अबू वो उससे बात नहीं हो सकती अबू। बात नहीं हो सकती मतलब क्या? कहाँ है वो? हम होटल के बाहर आए थे और अबू जारा अभी भी कमरे में, तो जैसे हम वापस जाएंगे उससे बात करवा देंगे आपकी। जनाब, आपकी बीवी अगर होटल में है तो पुलिस स्टेशन क्यों आए रिपोर्ट लिखाने? पुलिस के साथ मजाक कर रहे हो? कबीर क्या सुना मैंने अभी? अबू आवाज नहीं आ रही, अबू आपकी फोन कट रहा है। कबीर, जनाब हम अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए झूठ बोल रहे थे उनसे। बगैर किसी फोटो के आपकी बीवी को तलाश कैसे करेंगे हम? नहीं आप सही कह रहे हैं, हम फोटो लाते, हम आएंगे वापस आप उसे ढूंढना। जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है आज, हमारी ख्वाहिश, हमारा ख्वाब, हमारी मोहब्बत, हमारी जान, सारा हमसे आन मिली है। अब हम जारा से शादी करेंगे, आप सब लोग हमें दुआएं दीजिएगा। मतलब सिराज ने जारा का किडनैप कर लिया? बहुत बहुत शुक्रिया सिराज, तुमने हमें कत्ल के गुनाह से बचा लिया। अब जारा सिद्दीकी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, और हमारा कबीर सिर्फ और सिर्फ हमारा। कबीर, लिख कर तो कई दफा सलाम किया है आपको, आज आमने सामने हमारा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं कौन और हम यहां कैसे आए? पूछते हैं वो कि गालिब कौन हो तुम, अब कोई बतलाए कि क्या बतलाए हम। आपने हमें नहीं पहचाना? क्या हमारी शक्ल हमारी तस्वीर से इतनी अलग है कि आप हमें पहचान नहीं पा रही? याद कीजिए जाने सिराज, हम वही हैं जिसकी सारी अदाएं आपको बेहद पसंद हैं, हम वही हैं जिसके साथ आप अपनी तमाम जिंदगी कश्मीर में गुजारना चाहते हैं। देखिए
हमें लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। नजरें धोखा खा सकती हैं जारा, मगर दिल महबूबा को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। आप डर क्यों रही हैं जारा? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डराने वालों को हमने आपकी जिंदगी से बहुत दूर भेज दिया। अब वो आपकी जिंदगी में तो क्या, आपके ख्यालों में भी नहीं आ सकता। जारा का फोटो कहाँ मिलेगा? जारा का फोटो अनीना के पास होगा, उससे मंगवा सकते हैं। हमारी मोहब्बत का पहला तोहफा कबूल कीजिए। बकवास कर रहे हो, हमने कहा ना हम तुम्हें नहीं जानते, कौन हो तुम और क्यों हम पे बेवजह के इल्जाम लगा रहे हो? ये प्रोफाइल आप ही का है ना? ये हमारा प्रोफाइल नहीं है। हमें लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद आप किसी और को जानना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हम शायद आप हमें कोई और समझ रहे हैं। अगर ये धोखा है तो धोखा ही सही सारा, क्योंकि हम ऐसा हसीन धोखा खाना चाहते हैं। ये प्रोफाइल बेशक आपका नहीं है, लेकिन आप तो वही है ना जिससे हम मोहब्बत करते हैं। हाथ छोड़ो हमारा। ये हाथ अब तभी छूटेगा जब हमारी मौत होगी, क्योंकि अब आप हमसे निकाह करेंगे। हमारा निकाह हो चुका है। ओ जाने सिराज, वो निकाह कोई निकाह नहीं जिसमें दो जिस्म और दो दिलों का मिलन ना हो। और आप तो मुझे अपना सारा वाक्या और कहानी पहले ही बता चुकी हैं, फिर क्यों ऐसे नाटक कर रही हैं? मत लगाना। कोई है? राजब जी, आपकी दुल्हन है, इसलिए ख्याल रहे कि उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और ख्याल रहे कि अगर शिकायत का मौका मिला तो आप दोनों के शौहर कल सुबह की आजान नहीं सुन पाएंगे। निकाह के लिए तैयार हो जाइए।